गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टेप बाय स्टेप बुक के पेज नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। 15 पेज है वर्ड स्टडी कंप्लीट एंड कलर द कंपोजिशन यूजिंग द पिक्चर ऑफ वर्ड गिवन द बॉर्डर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ पक्षी बने हुए हैं, ठीक है। इनको हमने ड्रॉ करना है और इसमें अच्छे से कलर करना है। फोर टाइप्स के वर्ड्स बने हुए हैं और इनमें से कोई भी टू हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, देखिए, सिलेक्ट कीजिए कोई भी। जैसे मैं यहाँ पे ये वन इस साइड से और इस साइड से ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, पहले हम रफली इसको बनाते हैं। और बिल्कुल पेंसिल लाइट यूज़ करनी है। देखिए, जब हमने इरेज करना पड़े तो ईजिली वो इरेज हो जाए। एक पक्षी हम यहाँ से बनाएंगे। कैसे भी इनको ऐसे टहनी पे बिठा सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम रफली बनाने के बाद जब इन पे ब्लैक पेन के साथ आउटलाइनिंग करेंगे, आउटलाइनिंग के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। ये हमने पक्षी बना दिए हैं। अब आ रही है कलर की। तो कलर आप अपने फेवरेट कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। जैसे हमने पेज नंबर 14 में, ये देखिए, 14 के अंदर जो कलर हैं, मल्टी कलर, अलग अलग शेड कलर है, तो आपने ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रेड कलर। रेड के बाद स्काई ब्लू कलर, अगर आपने ये कलर नहीं करने तो आप जो बुक में से हमने जो कलर हैं वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हम करेंगे येलो कलर। ये हो चुका है येलो कलर। उसके बाद ऑरेंज कलर, इसमें नहीं करना, ठीक है। येलो, येलो ब्राउन,
कर देते हैं रेड कलर। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं, जैसे हमारे पास ब्लैक कलर है, इसमें ब्लैक शेडिंग करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसके अंदर डार्क ग्रीन है हमारे पास, हो चुका है। अब करेंगे ट्री के अंदर कलर। ट्री में हम करते हैं पहले ब्राउन येलो, ब्राउन येलो के बाद हम करेंगे डार्क ब्राउन शेडिंग। इसके बाद हम करेंगे लीफ के अंदर करेंगे लाइट ग्रीन। इनमें भी हम लाइट ग्रीन करेंगे। ये देखिए लीफ में भी कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ये लीफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे बैकग्राउंड में हल्का सा स्काई ब्लू शेड, ये बिल्कुल लाइट लाइट करना है। प्यारे बच्चों देखिए पेज नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपने कंप्लीट कर लेना है पेज नंबर 15 को। ओके बेटा, थैंक यू।